नमस्कार प्रणपूर्ण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बढ़िया सी हैक बताने जा रही हूँ। ये देखिए, सब्जी वाले भैया क्या होते हैं ना, काफ़ी हद तक गहरी गांठ लगा देते हैं सब्जी जब हमें देते हैं, और इन्हें खोलने में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो हमें पन्नी भी फाड़ देनी पड़ती है जल्दी जल्दी के कारण। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप ये नेल कटर लें और इसमें जो चाकू होते हैं ना, आप उसको निकाल लें और इस तरीके से आप इसकी गांठ को आराम से बिल्कुल लूज कर लीजिए, ढीला कर लीजिए। और जब ये इस चाकू की मदद से ये देखिए कितने आराम से ये गांठ मेरी ढीली हो गई और ये गांठ आराम से खुल जाएगी। ये देखिए, ये ढीली करनी पड़ेगी आपको पहले नेल कटर से, उसके बाद आप हाथों से इसको खोल सकते हैं और बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी के आप इस गांठ को खोल सकते हैं। अब ये दूसरी गांठ देखिए कितनी गहरी लग रही है, ये खुलने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है और हमारा टाइम भी काफ़ी चला जाता है, और कभी कभी तो हमें जल्दबाजी में बहुत जल्दी से हमें सब्जी निकालनी पड़ती है पन्नी में से, तो ये दिक्कत आती है। तो इसलिए आप इसको हल्के से ढीला करें और ढीला करने के बाद आप इसको इस तरीके से गांठ को खोल लें, बहुत इजी तरीके से ये गांठ खुल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से मेरी गांठ खुल गई पन्नी की। अब दूसरी हैक्स है फ्रेंड्स मेरी, ये चाकू है। दूसरी हैक्स है फ्रेंड्स मेरी बर्तनों को लेकर। क्या होता है, स्टील के बर्तन ना काफी गहरे लग जाते हैं कभी कभी, तो ये निकालने में बहुत ही दिक्कत करते हैं और ये नहीं निकलते हैं। काफ़ी हम कोशिश करते हैं कि ना कैसे निकालें और ये बहुत टाइट जाम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप एक ब्रश में थोड़ा सा तेल लगा लें और तेल लगाने के बाद आप चारों तरफ ब्रश से इस तरीके से आप इसमें करें कि इसके अंदर हल्का हल्का चला जाए। देखिए जैसे मैं इसमें वीडियो में लगा रही हूँ, आप इसी तरीके से इसमें भी चारों तरफ आप तेल लगा दें और कुछ 10 मिनट के लिए आप इनको इस तरीके से ही छोड़ दें। जब तेल इसमें अंदर चला जाएगा ना, तो ये बहुत ही आराम से आपके निकल जाएंगे। देखिए चारों तरफ से लगाने के बाद अब आपको 10 मिनट के लिए इनको छोड़ देना है। वीडियो में तो मैं आपको जल्दी से ही कट करके दिखाया है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे ना तो ये बिल्कुल ईजिली तरीके से ये निकल जाएंगे और ना कोई दिक्कत और ना कोई परेशानी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से मेरे बर्तन निकल गए। तीसरी हैक से फ्रेंड्स मेरी डिब्बे को लेकर है। आप एक खाली डिब्बा ले लें, ये डिब्बे हमारे किसी न किसी काम में आ जाते हैं, किसी न किसी चीज में ये हमारे मार्केट से मिल जाते हैं। आप इन डिब्बों को ले लें और अब इस डिब्बे का मैं बहुत ही अच्छा उपयोग आपको बताने वाली हूँ। क्या करना है फ्रेंड्स आपको, जैसे हम कहीं जा रहे हैं बाहर और कहीं हमें शादी में जाना है, किसी के पार्टी में जाना है और दूर हमें जाना है, काफी लंबा हमारा वो है समय, काफ़ी लंबा मतलब हमारा ट्रेवल करने का है, तो उसमें हमें चूड़ी ले जाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं और इन्हें ले जाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। चाहे तो आपके कड़े हों या चूड़ी का सेट हो, आप इस तरीके से डिब्बे में अरेंज कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं इसमें डिब्बे में अरेंज कर रही हूँ और आप इनको अरेंज कर कर अगर आप इस तरीके से अगर ले जाएंगी बाहर कहीं भी बैग में रख के, तो ये आपकी टूटेंगी भी नहीं और बहुत ही आराम से ये आपकी डिब्बे में चली जाएंगी। अगर ये ढीली सी लग रही तो आप इसके थोड़ा सा न्यूज़पेपर का गोला बनाकर आप पीछे लगा दें, जिससे ये टाइट हो जाएंगी और बहुत ही इजी तरीके से ये डिब्बे में आराम से चली जाएंगी, ना कोई दिक्कत होगी फ्रेंड्स और ना कोई परेशानी होगी, और जो खाली डिब्बा वो भी हमारे काम आ जाएगा। चौथी हैक से फ्रेंड्स मेरा क्या है कि चैन को लेकर। क्या होता है, हम चैन लगाते हैं बार बार नीचे हो जाती है, हम चैन लगाते हैं और ये बार बार ढीली हो जाती है और कहीं जाओ तो बहुत ही शर्म आती है अगर इस तरीके से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप एक हुक लें और हुक को इस तरीके से आप टांग लें। टांगने के बाद अब आप इसको चैन को इसमें अटका दें। ये देखिए, अगर आप चैन से इसमें हुक अटका देंगे और फिर बटन लगा लेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो मेरा हुक ना अच्छे से लगा हुआ नहीं है, मैं इसमें एक टाका मार के आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, आप इस तरीके से एक बारी इसमें से धागा लेकर आप इसमें दो तीन टांके मार दीजिए। दो तीन टांके मारने से आपका हुक जो है वो एकदम फिट हो जाएगा और फिट होने के बाद अब आप इसको चैन को इस तरीके से इसमें लगा दीजिए। आपकी चैन कहीं नहीं जाएगी और इसी तरह सेफ रहेगी। आप चाहे बटन भी लगा दें या ना लगाएं, लेकिन आपकी चैन इस हुक में से नहीं निकलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना कितना ईजी और कितना सही तरीका। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, पांचवी हैक से मेरी डिओड्रेंट को लेके। काफ़ी सारी सीसी हमारे यहाँ डिओड्रेंट की खाली पड़ी रहती हैं और लोग बाग क्या करते हैं कि इनको ना डस्टबिन में डाल देते, कोई यूज़ में नहीं रखते।
एक बहुत ही अच्छा यूज मैं आपको इसका बताती हूँ। आप ऊपर की इस कैप को निकाल लीजिए और जैसे मैंने इसमें छेद कर रखा है ना, आप पेचकस की सहायता से इस तरीके से आप डालें और एक छेद कर दें। ऊपर से कोई भारी चीज इसके ऊपर मार दे तो ये छेद हो जाएगा इसमें। और अब आप इसमें पानी हो या आपको कोई दवाई स्प्रे करनी हो तो वो दवाई आप इसमें डाल दें। आप दे देखिए, अब आपको वो बटन जो है इसका लगा देना है। अब आपको चाहे कहीं की सफाई करिए, देखिए पानी निकल रहा है ना इसमें से, स्प्रे हो रहा है। चाहे आपको कहीं की सफाई करनी है या आपको अपने बाल की कटिंग करनी है, इस तरीके से स्प्रे करें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।